कैसे करता है यह है स्कूल बिहार में शराबबंदी का हाल बेहाल हो गया है। सरकार और पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद शराबबंदी कानून का लगातार मखौल उड़ाया जा रहा है। शराब बेचने और पीने वाले लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के गृह जिला मधेपुरा से सामने आया है, जहाँ के शिक्षक शराब पीकर स्कूल जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि तस्वीरें बयां कर रही हैं। दरअसल पूरा मामला चौसा प्रखंड के श्याम टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय का है। सोमवार को स्कूल के हेडमास्टर प्रकाश राम शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने नशे में टल्ली हेडमास्टर का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस दौरान शराबी हेडमास्टर ने स्कूल में जमकर उत्पात मचाया, जिसे परेशान होकर ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शराबी हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया और मेडिकल जांच के बाद उसे जेल भेज दिया गया। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरोपी हेडमास्टर कैसे नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा था। हालांकि द बिहार बुलेटिन वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। इधर इलाके के लोगों का कहना है कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के बाठक के बीच चल रहे घमासान के कारण बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो गई है। शिक्षा मंत्री के गृह जिले का जब यह हाल है तो राज्य के अन्य स्कूलों का भगवान ही मालिक है। इसके बारे में कानून कार्रवाई हम लोग किए कि अभी कि इसके 3-4 बार छूट किए और लास्ट में जो है हम लोग से पूरे ग्रामीण तबाह हो गए। इससे इसको अरेस्ट किया जाए चाहे जैसे भी। आज क्या सब हुआ? आज तो कुछ नहीं, नहीं खिचड़ी बनाया, नहीं और कुछ किया। लकड़ी गिराया तो उसका पैसा हम दिए, रोने उधर रोने लगा तो लकड़ी वाला को गाला गली कर दिया तो भाग गया बेचारा, चला गया। हम पैसा दे दिए लकड़ी वाला को तो, और पैसा भी नहीं दिया तब तक वो पुलिस अफसर आया। प्रधानाध्यापक को पुलिस पकड़ के लेके चली गई। उसके बाद पुलिस वाला आया, पुलिस वाला उठा करके ले गया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तस्लीम।